राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्यालय कल देर रात बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण के चुनाव को लेकर विस्तार से बात हुई है। पार्टी रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हालात हुए उससे कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा की जनता भाजपा के साथ हमेशा खड़ी हुई है, इस बार फिर आशीर्वाद मिलेगी। वही धान खरीदी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर है, आने वाले दिनों में सरकार विस्तृत जानकारी जारी करेगी। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है, दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है, अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है, आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा।